हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो। गाइस, आज हम देखने वाले हैं गार्डन ऑफ बनवन 7 का टीजर ट्रेलर। नहीं, ऑफिशियल ट्रेलर भाई। गाइस, यूफोरिक ब्रदर्स ने गार्डन ऑफ बनवन का ऑफिशियल ट्रेलर निकाल दिया, तो जरा ना इसको चेकआउट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गार्डन ऑफ बनवन 7 में होने क्या वाला है। तो गाइस यार, ये है यूफोरिक ब्रदर्स का चैनल और ये है वो गार्डन ऑफ बनवन का ऑफिशियल ट्रेलर। बट इससे पहले ना एक ये वाली वीडियो भी आई थी जो अप्रैल फूल डे के दिन निकाली थी शायद इन लोगों ने, और मैंने इसको भी देखा था। इसमें कुछ नहीं था, बनवन डांस करता रहता है और एक घंटे तक ना म्यूजिक बजता रहता है बैकग्राउंड में, और बनवन बस रिपीटेड में इस गाने में डांस करता रहता है। अब बनवन को डांस करता हुआ देख के ना तो तुम्हें कुछ फायदा मिलने वाला है, ना मुझको कुछ मिलने वाला है। तो हम ना सीधे देखेंगे ये वाली वीडियो जो कि है गार्डन ऑफ बनवन 7 ऑफिशियल ट्रेलर। यार, इसमें पीछे पे तो ना ये वो दिख रहा है बिटर गिगल, जो ना दोनों तरफ से खुल जाता है, मतलब केले के चिक्कल की तरह ना इधर की तरफ से भी उधर की तरफ से खुल जाता है, बाकी इसके कांटे निकल जाते हैं। तो पीछे पे तो वो बना हुआ है और उसके ऊपर ये पर्पल कलर की गैस जैसी दिख रही है, जो सर डाडा डूडू की बास है, उसकी बदबू है जो पर्पल कलर की होती है, और जो ये स्मेल सूंघ लेता है ना वो सर डाडा डूडू जैसा बन जाता है, उसकी टीम में ज्वाइन कर लेता है। अब इसमें देखो आंखें भी दिख रही है, पीछे ड्रावन नहीं दिख रही यार बिटर गिगल की, एक आंख उधर की तरफ है, एक आंख उधर की तरफ है, और ऊपर पे ना ये चार हाथ दिख रहे हैं, ये उसी सिजेरियन के होने वाले हैं जो हमें इस पार्ट में मिलने वाला है। और बनवन ने हमसे बोला था कि नीचे फ्लोर में जाओ और सिजेरियन से मिल के आओ। बाकी ये फ्रंट पे वही ज़ोल्फिया जैसा दिखने वाला हरे रंग का एलियन है। इसके अलावा तो थंबनेल में ऐसा कुछ हिडन मिस्ट्री टाइप की दिख नहीं रही है। तो चलो यार ट्रेलर को चेकआउट करते हैं फिर आगे ट्रेलर में क्या क्या होने वाला है। ओके, ओ ये बिटर गिगल, बिटर गिगल कैसा बना दिया मॉन्स्टर जैसा। एम्प्लॉय सर्वाइवल गाइड, तो इस फ्लोर में जो एम्प्लॉयज आते होंगे ना उनको गाइड मिलती होगी शायद से, उस गाइड की आवाज है। यार ये हरे वाले एलियंस भाई, किसने लटका दिया इनको? तो तुम्हें जिंदा लग रखना हमारी मेन प्रायोरिटी है कह रहे हैं। मोटल भी चल रहा है यहाँ, वो पीछे से आगे अटैक कर रहा है इसके ऊपर, गजब कर रखा है भाई लोगों ने, गजब। तो इधर हमने हीरो नहीं बनना है ज्यादा। ओ भाई कीड़े, ये कैसे कीड़े आ गए भाई, चीटियां हैं गए। अच्छा दूसरा स्टेप हाइड है। ओ भाई इनकी आंखें दिखने तो लग, भाई किसी किसी की आंखें हैं किसी किसी की नहीं है। ये कौन है भाई, ये डरावना से दिख रहा है भाई। बनबन तो पड़ गया भाई। ओके, तो सिजेरियन की यहाँ पे स्टैचू चल रहा है एक बड़ा तगड़ा सा भाई। इस बार नए कैरेक्टर भी हैं क्या इस पे कोई? नहीं नहीं वो पुराने वाले दिख रहे हैं सारे के सारे। भाई ये किसकी आवाज है? ये सिजेरियन की आवाज है। नहीं, जंबो जॉश को भी वैसे ही कर दिया गया भाई। इस बार नई नई मिस्ट्रीज होने वाली है यार इसमें। इस बार इसके क्रिएटर्स ने ना यानी यूफोरिक ब्रदर्स ने मुझे लग रहा है ना पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 3 खेल लिया, और वो सोच रहे होंगे कितना डरावना बना रखा है तो हम भी अपने गेम को डरावना बनाएंगे ना। सो इस बार इन लोगों ने ना गार्डन ऑफ बनवन की भी ना थोड़ी डरावनी वाली वाइब्स दे रखी है यार। तो चलो एक बार शुरू से देखते हैं बढ़िया से क्या क्या चीजें। ओके, तो सबसे पहले तो ये बिटर गिगल आ गया भाई, और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही हो ना जो मेरे जोक्स को बुरा कहते थे। नहीं भाई, हम तेरे जोक्स पे हंसते थे यार, हमें पसंद थे तेरे जोक भाई, हम नहीं उड़ाते थे भाई तेरे जोक्स का मजा आ गया यार। मैं तो हंसता ही था इसके जोक्स पे, चाहे कितना अनशन जोक भी मारता था, जैसे तुम मेरे जोक्स पे हंसते हो वैसे मैं इसके जोक्स पे भी हंसता था भाई। बक सही रहा, लेकिन बीच को बीच से जीभ निकली हुई है ना और इधर उधर से भाई। बट ये हम पे अटैक करेगा ना जब हमको जंप्स कर देगा, तो यार ये पूरा झुक के आगे को झुकेगा और उसके बाद जंप्स कर देगा या ऐसे ही मुंह खोल देगा? मुझे देखना है यार, मुझे इसका जंप्स कर देखना यार। तुम लोग भी देखना चाहते हो ना इसका जंप्स कर कैसा होने वाला है? मेरा तो मन है भाई इसका जंप्स कर देखने का। यार ये बिटर गिगल की आंखें भी तो पर्पल कलर की हो गई ना यार, जो मैंने पिछले बार इसका मॉन्स्टर फॉर्म देखा था उसमें इसकी पर्पल थी आंखें नहीं थी। गैस देखो, पिछले बार ना हम लोगों की इसकी आंखें नहीं दिखी थी। देखो ये पिछला वाला टीजर है, इसमें हमको इसकी आंखें नहीं दिखी थी। इस बार इसकी जीभ भी अलग सी हो गई। देखो जीभ कैसी थी पिछले बार, ऐसी थी। ये पिछले बार फिर भी कम डरावना लग रहा था भाई, बट इस बार लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा डरावना सा। ये देखो इसकी दो आंखें तो वो दिख रही है, और ये ऊपर को भी मुंह दिख रहा है, नीचे तक मुंह दिख रहा है भाई। ये इस बार डरावना हो रहा है भाई, पतला भी दिख रहा है इस बार थोड़ा सा। ये हाथ तो मोटे हैं इसके। बाकी यार ये किसका केज है यार, ये कौन होने वाला है भाई केज के अंदर? ये एलियंस भी कैसे दिख रहे हैं भाई ये? अच्छा हमको देख नहीं सकते, तो शायद से ना आगे दिख रहे थे ना, एक एलियंस थे जिनकी आंखें दिख रही थी, एक ये बिना आंख वाले हैं। तो ये जो बिना आंख वाले हैं ना, मेरे ख्याल से ये हमको कुछ नहीं करते होंगे। ये जो बिना आंख वाले, मतलब हमको करते होंगे बट अगर इनके जस्ट मुंह के आगे आएंगे तो, अगर नहीं आएंगे ना तो ये हमको देख नहीं सकते हैं शायद से। और जो आंख वाले ना वो शायद से हम पे अटैक करते हो भाई। ये वाला एरिया कौन सा होने वाला है? इधर पे पजल होने वाली है शायद से कोई। ये लाइट जलानी होंगी शायद हमने, और इसे बचते हुए जाना होगा। ये थिएटर जैसा नहीं लग रहा, लेकिन ये सीट्स लगी हुई है, सामने पे पर्दा होगा और यहाँ पे शो चलता होगा भाई। थिएटर है गाइस यार ये थिएटर, मुझे थिएटर ही लग रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है? थिएटर जैसे ही लग रहा ना यार। और ये वाला सीन भाई,
किसने टांग दिया इनको यार ऐसे करके। मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा ना जो सिजेरियन है वो ना इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसने ना एक्सपेरिमेंट करके इनको टांग दिया है। तो यार गंदा होने वाला है क्या सिजेरियन? बट बनबन तो कह रहा था नीचे जाना और सिजेरियन से मिलना। ये सिजेरियन के स्टैचू का हाथ दिख रहा है भाई, कैसा अजीब सा बना रखा है भाई ये, ऐसे चिमटे जैसा है भाई ये। बाकी यार मैं कह रहा था मोटल भाई, ये गजब चल रही है भाई फैसिलिटीज, पॉपी प्ले टाइम की फैसिलिटी भी और इधर की फैसिलिटी भी, मतलब अंदर स्कूल भी है, अंदर होटल भी है, वो बगी हगी वाले में तो ऑब्जर्वेटरी भी चल रही है भाई, सब कुछ है यहाँ। ऊपर पे दिख रही होगी छोटी सी बिल्डिंग और नीचे पे भाई पूरा शहर बसा रखा है भाई यार। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे हमारे पीछे पड़ रखा है ये बिटर गिगल, और ना शायद से हमारे पीछे ऐसे ही पड़ेगा, हम भागेंगे, हम भागते हुए जा कहाँ रहे हैं। बट नीचे कूदने वाले वो ये थिएटर में तो नहीं जा रहे जिस थिएटर की अभी फोटो दिख रही थी हमें? नहीं यार थिएटर तो नहीं है, बट दूसरी जगह से यहाँ से जम मारनी होगी शायद से हमने। ओके बाकी एक हाथ तो इसका चिमटे जैसा है भाई, दूसरा हाथ ये अलग ही, ये चिड़िया की चोंच जैसी नहीं लग रही है भाई, अजीब टाइप के हाथ है इसके। ये देखो एक्सपेरिमेंट मैं कह रहा था ना उसके ऊपर करता है उन एलियंस के ऊपर ना, ये सिजेरियन जो है ना, सिंजेरियन सॉरी तेरा नाम गलत बोल रहा हूँ, सिंजेरियन इसका नाम, ये ना इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है भाई। इनकी बॉडी से कुछ हरे रंग का लिक्विड निकाल रहा है, ये जाइवेनियम से बने हुए हैं ये, क्या है पता नहीं। बाकी यार देखो उसकी आंख ना ब्लैक कलर की है, तो तीन टाइप के एलियन है शायद से। एक एलियन तो वो है जिनकी आंख व्हाइट कलर की है, एक ये जिनकी ब्लैक कलर की है, और तीसरे वाले जिनकी आईज ही नहीं है, या फिर जिनकी आई नहीं है कहीं, वो ब्लैक तो नहीं है, ब्लैक कलर की है इसलिए लग रहा है कि उसकी आंख ही नहीं है। मुझे तो भाई यार तीन टाइप के ही लग रहे हैं। ये कीड़ों वाला सीन भाई यार, ये कैसे कीड़े आ गए हैं इस वाले फ्लोर में भाई, लगी गंदगी चलती है, चींटियां हैं ये, कॉकरोच तो नहीं है भाई, ये चींटियों जैसे ही लग रहे हैं। हम इतना नीचे आ गए ना, इधर कीड़े वीड़े बसे हुए हैं। बाकी जिसके टीजर ट्रेलर था उसमें मैं तुमसे कह रहा था ना कि मक्खियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इस बार लोगों ने ये वाली डिटेलिंग पे ज्यादा गौर नहीं किया, बल्कि इनका सीन ये है कि इनने इस बार कीड़े मकौड़े दिखा रखे हैं हमें, और कीड़े मकौड़े से हमको बच के जाना है। वैसे तो मैं इनके ऊपर से चले जा रहे हैं, तो इनको आराम से पिचकाई दे रहे होंगे भाई, क्या ही जो कर रहे होंगे हमें। नहीं नहीं कुछ होगा यार सीन, क्या पता हमें काटते भी होंगे। उधर पे देख रहे हो सर डाडा डूडू के कंट्रोल में जो बिटर गिगल आ गया उधर पे खड़ा हुआ, देखो मॉन्स्टर फॉर्म में उधर से ही, उधर से ही ना झपट जाए हमारे ऊपर सीधे। Two seconds later. मुझे लग रहा है बिटर की गल्ला बटर ना, अभी मैंने एक चीज ध्यान से देखी, इसकी देखो तीन आंखें दिख रही हैं। तो गाइस कहीं ये नम नबलीना तो नहीं है, क्योंकि पिछले बार हमें वो गेम के एंड में वो ऐसी नहीं दिख रही थी, तो मैं गेम का एंड दिखाता हूँ। ये देखो गाइस लास्ट में ना नम नबलीना दिख रही थी ऊपर पे, मतलब जो गार्डन ओपन में 6 का लास्ट वाला सीन था उस पे, देखो ये तीन आंखें दिख रही है और ये बिल्कुल उसके डायरेक्ट डूडू के कंट्रोल में आ गई है, पर्पल चमक रही है, इसके दांत दिख रहे हैं और ऊपर अपना वो दिख रहा है। तो मुझे तो लग रहा है ना ये नेबनेबलीना ही है यार, मैं इसको अभी तक वो बिटर गिगल सोच रहा था, बिटर गिगल कहाँ दीवार में लटका हुआ है ऐसे, ये है नेबनेबलीना, तो नेबनेबलीना भी आने वाली है इस बार। दो हाथ तो वो हो गए, तीसरा वाला आता है ये जिसके अंदर ऐसी ये ड्रिल टाइप की है भाई, जो अंदर बिल्कुल छेद कर देने वाली है इसके सब्जेक्ट्स के। गाइस यार ये क्या पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे से ना चीरा भी लग रखा है इसके ऊपर, और ये एलियंस को देख रहे हैं, या तो फिर ये एलियंस जो है, मैं बता रहा हूँ एलियंस का सीन तो ये है शायद से, सिंजेरियन ना इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है या फिर इनको एक्सपेरिमेंट करके बनाता है इन एलियंस को, उसके बाद ना ये ना उसकी बात मानते हैं शायद से। रही बात ये पीछे वाला क्रिएचर यार, ये रंग उड़ा हुआ कौन है भाई, ये बनबन तो नहीं है इतना बड़ा मॉन्स्टर जैसा बना दिया इसको, या फिर ये कोई नया मॉन्स्टर होने वाला है, या खुद सिंजेरियन तो नहीं है जो सोया पड़ा है उसे हमें उठाना पड़ेगा। नहीं यार वो तो उस वाले गेट पे दिख रहा था, तो नहीं वो तो नहीं होगा, यही नबनब भी तो नहीं है ये नबनब भाई, इसका कलर ही उतर गया है, नबनब भी लास्ट में ऐसे ही हो गया था ना नबनब के साथ भी। अब अगर तुम लोगों को याद है तो पिछले बार लास्ट में ना नबनब जो होता है वो ऐसा बन जाता है भाई, मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, इस तरह का बन जाता है, तो कहीं ये नबनबी तो नहीं है, इसका रंग उतर गया है तो इसका मतलब ये मर गया है शायद से, और उसको ना सिजेरियन ने कैद कर रखा है इधर पे, शायद वो एक्सपेरिमेंट करके ना इसको फिर से जिंदा करने वाला है, या फिर इसको अपनी टीम में ऐड करेगा, इस टाइप का कुछ होगा। मुझे तो ये नबनब ही लग रहा है, या फिर कोई और तो नहीं है ये, यार नबनब जैसा ही लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है यार ये कौन हो सकता है? मेरा गैस तो ये है कि भाई ये नबनब होने वाला है शायद से। अच्छा तो दो ही टाइप के हैं यार ये, दूसरे वाले की आंखें मैं कहता नहीं, आंखें हैं तो सही, ये जो स्टार्टिंग में दिख रहा था उसकी नहीं थी क्या? इस वाले की आंख नहीं दिख रही ना यार, देखो ना ब्लैक भी नहीं दिख रही, देखो कोई आंख ही नहीं लग रहा है इसके पे। तो एक तो ये टाइप के हैं शायद से जिनकी आंखें नहीं होने वाली हैं, एक होने वाले हैं ये वाले जिनकी व्हाइट कलर की आंखें हैं, और एक ये होने वाले हैं जिनकी ब्लैक कलर की आंखें हैं। तो मुझे लग रहा है तीन टाइप के होने वाले हैं ये एलियंस। तुम लोगों को क्या लगता है कितने टाइप के एलियंस होंगे, दो टाइप के या तीन टाइप के? चलो कमेंट्स में बताओ, देखते हैं उसके बाद फिर तुम्हारा गैस सही होता है या मेरा गैस सही होता है। मेरा गैस तो है कि तीन आंखों वाले एलियंस है, तीन तरह के अलग अलग आंखों वाले एलियंस है, एक की आंखें व्हाइट है, एक की आंखें ब्लैक है, और तीसरे वाले की आंखें ही नहीं है। वैसे मैं एक और चीज सोच रहा था, देखो ये बार है इधर पे प्लेट रखी हुई है बट प्लेट पे खाना है नहीं, कॉफी का कप ये रखा हुआ है बट मुझे लग नहीं रहा कि इस कॉफी कप में कॉफी भी होगी। बट एक चीज है इस बार में सामान वामन कुछ है नहीं, इंजेक्शन रखे हुए हैं इतने सारे, तो शायद से नहीं जो क्रिएचर्स हैं ये इस वाले बार में ना इंजेक्शन खाने के लिए आते होंगे, जब इनकी पावर कम हो जाती होगी ये मरने वाले होते होंगे, तब ये वाला जो इनका बार टेंडर है ये इनको बढ़िया से एक इंजेक्शन लगाता होगा और ये ना फिर से दोबारा जिंदा हो जाते होंगे शायद से, इधर ना अपनी पावर रिप्लेनिश करने के लिए आते होंगे, मुझे तो ये लग रहा है। बार में बढ़िया से इंजेक्शन खा के ना बिल्कुल दौड़ते होंगे
और इस इंजेक्शन में होता होगा जाइवेनियम, जिससे इनकी पावर दोबारा बढ़ती होगी। और ये ना मेरे ख्याल से वो जो छोटे वाले नहीं थे जो मैं लास्ट पार्ट में भी दिखे थे, वो दो छोटे थे जो कह रहे थे सिंजेरियन हमारा पापा है कह रहे थे, तो मुझे लग रहा ना वो कल के दिन बड़े होकर ना ऐसे बन जाते होंगे। भन बन तो तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, दो टीजर आ गए एक ट्रेलर आ गया, तब से लास्ट की तरह ऐसे ही पड़ा हुआ है ये तो। बाकी ये सिंजेरियन की मूर्ति भाई डरावनी सी लग रही है। अब सिंजेरियन ने यहाँ स्टैच्यू बना रखा है भाई, यहाँ का राजा चल रहा है क्या यार ये? बढ़िया, यहाँ का भगवान चल रहा है भाई, मुझे तो लग रहा है ये सबके ऊपर राज करता होगा, वो सब इसकी प्रजा होंगे। मैं मिलना चाहता हूँ भाई सिंजेरियन से, कैसा होने वाला जरा देखे तो, इसकी धुनाई करेंगे बढ़िया से, कुटाई करेंगे इसकी इस बार। मुंह खोल के खड़ा हो रखा है भाई, मक्खी घुस जाएगी तेरे मुंह में। ये तो वही है, ये देखो नीचे एलियन, ये एलियन के जो सिंजेरियन का बच्चा ना ये, हाँ हाँ वो एलियंस यही है यार, हमें ये भी तो मिलते हैं ना, तो सिंजेरियन के जो बच्चे होते हैं तो बाद में ना ये जाके ना वो हरे कलर के एलियंस ही बन जाते होंगे, मुझे तो ये लग रहा। ये आवाज जो सुनी ना अभी, ये जंबो जॉश की आवाज है, ये जंबो जॉश की। देखो जंबो जॉश गिरा यहाँ पे, जंबो जॉश भी कहीं मर तो नहीं गया था, और सिंजेरियन ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ना उसको जिंदा कर दिया शायद से, हो सकता है शायद। और इसी के साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाता है गाइस। बाकी जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है ना वो इधर की मैनुअल टाइप की है, जो एम्प्लॉइज इस फ्लोर में काम करते होंगे ना उनके लिए वो मैनुअल है। तो ये लेडी ना दो तीन स्टेप बता रही है, कह रही उनको तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम इधर सेफ रहोगे, वरना तुम्हारे हाथ पांव खींच लेंगे मॉन्स्टर्स। सो पहला स्टेप है, कुछ भी हो जाए गाइस हीरो नहीं बनना है, पहला स्टेप तो है ये कि हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अगर तुम्हारे पीछे पड़ता है तो ज्यादा हीरो बन के वो के आगे नहीं जाना हुआ। दूसरा स्टेप है हाइट, तुम्हें छुप जाना है भाई, हीरो बनके नहीं उसके आगे नहीं जाना है, उल्टा छुप के रहना है और बच बच के आराम से जाना है इधर से। बट ऐसा है कि अगर तुम छुप नहीं सकते हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आवाज निकालनी है जिससे ये मॉन्स्टर्स डर जाएंगे यार, तो गेम में ही पता चलेगा कि ज्यादा आवाज निकाल के क्या होता है। तीसरा स्टेप है कि कॉन्टेक्ट दी इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब हमें इमरजेंसी सर्विसेज को कॉन्टेक्ट करना है, बट इधर तो कोई बचा ही नहीं है भाई, ये एम्प्लॉय के लिए गाइड होने वाली थी बट सारे एम्प्लॉयज पे तो अटैक हो गया, तो हम इमरजेंसी सर्विसेज को कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे भाई, वो भी इतने नीचे, पुलिस को भी बुलाओगे तो तुम इतने नीचे थोड़ी ना आएगी, वो ऊपर किंडरगार्टन पे आएगी और देखेगी यहाँ कोई है ही नहीं और वापस चले जाएगी, इधर सिग्नल भी थोड़ी ना आते होंगे इतने नीचे, वैसे भी जिस कैरेक्टर से हम खेल रहे हैं वो इधर फोन थोड़ी ना ले गई होगी। तो गाइस यार ये हो गए तीनों स्टेप और ये हमने ट्रेलर देख लिया है, अब ये गेम आने का वाला है, इस गेम की भी रिलीज डेट नहीं आ रखी है ना, इनका स्टीम का पेज खोलते हैं एक बार, स्टीम के पेज में क्या पता दिया हो इनने, नहीं दे रखी 2024 ही लिखा है ऑफिशियल डेट गाइस, मुझे पता नहीं है इसके, अगर तुम लोगों को पता तो कमेंट्स में बताना। बाकी इंतजार करते हैं इस गेम का भाई, मैं तो एक्साइटेड हूं, जरा देखना है कि इस बार क्या होने वाला है गार्डन वर्मन 7 में। तुम लोगों को क्या क्या नई चीज अगर पता है कुछ जो मुझे नहीं पता तो कमेंट्स में मुझे बता दो टाइम से, वरना गेम ही आ जाएगा तो फिर बता के क्या फायदा होगा। तो यार ये था इसका ऑफिशियल ट्रेलर, अब इसका गेम जैसे ही आएगा मैं वैसे खेल लूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि तुम्हारी वो वीडियो मिस ना हो जाए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, होप एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।